आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। मैं हूं आपके साथ। सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, ग्राम पंचायत खटसूर में लगातार समीक्षा से जूझ रहे ग्रामीणों ने जब मीडिया से बात की तो हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर स्वच्छता अभियान से लेकर जल नल योजना, पीएम आवास आदि समकक्षों से जूझ रहे थे ग्रामीण, लेकिन समीक्षा का नहीं हो पा रहा था निराकरण। इन समस्याओं के कारण ग्रामीण ने जब मीडिया से बातचीत की, ग्राम पंचायत खटसूर में लोगों की भीड़ समीक्षाओं को लेकर बढ़ने लगी। जब ग्रामीणों ने कहा कि सर यदि हम एक समीक्षा आपको बताएं, नहीं बता पाएंगे, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं जो आज हमें मिलनी चाहिए उन योजनाओं से हम वंचित रह रहे हैं। ग्रामीणों की समस्या यह है कि ग्रामीणों ने कहा कि जल नल योजना लाखों रुपए की बनी है, लेकिन उसे जल नल योजना में जो पानी आता है वो पूरा गंदा है। पानी नालों के अंदर आता है, ना वो पानी पीने योग्य है, ना नहाने योग्य है। इन समस्याओं से लगातार ग्रामीण जूझ रहे हैं। कई बार ग्राम पंचायत में भी अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक निराकरण नहीं हो पाया। जबकि ग्रामीणों का कहना है कि करीबन कई समय से इसी समस्या से बाहर नहीं आ रहे हैं। स्वच्छता अभियान की भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उसके बाद ग्रामीणों ने बताया कि शहीद पार्क हाट बाजार में सामाजिक तत्वों द्वारा शराब पीकर गंदगी फैलाई जा रही है। महिलाएं बाजार में आने के लिए भी परेशान रहती हैं। जल्द से जल्द इन समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, इस प्रकार से सभी समस्याओं का हल जल्दी निकले, जिसके कारण ग्रामवासी राहत की सांस ले। अब देखना यह होगा कि क्या वर्तमान सरपंच इन समस्याओं से किस प्रकार ग्रामीणों का समाधान कर पाएंगे। अभी वर्तमान सरपंच को लगभग एक वर्ष पूर्व मैं नहीं दिख रहा है इसको खबर को हेड देना, मतलब बहुत सारे मीडिया को बताया उस सरपंच को जी यहाँ जो आमिर साहब यहाँ जो अंदर यो कहीं है यो दिखे बट पानी जो पानी यहाँ से इसे कोई पंचायत ध्यान नहीं दे पे, कोई भी ध्यान नहीं दे पे पंचायत का। डीपी को काम हमारा नहीं, बिल भरोगा तो डीपी इधर बढ़िया हो मैं। सर अभी जो मूलभूत सुविधाएं हैं कुछ कौन कौन सी सुविधा मिलनी चाहिए और कौन कौन सी परेशानी है आपको? जी सर, मेरे गांव में माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय ने 1,00,000 करोड़ रुपए की नल जल योजना दी। नल जल योजना तो दे दी, चालू कर दी, लेकिन उसकी व्यवस्था सही नहीं। जो पानी सारा नाली जो पाइप लगा है वो सारा गटर में लगा है, उस कारण से गाँव में पीने योग्य पानी नहीं आया। मूलभूत सुविधा दूसरी समस्या है कि गांव के जो आसपास की सफाई, स्वच्छता अभियान का जो योजना चलाया प्रधानमंत्री ने उसका पूरा धन्यवाद, क्योंकि सफाई के माध्यम से ग्राम पंचायत को ध्यान दे। जो पूर्व में भी सरपंच रहे और जो अभी वर्तमान सरपंच, उनको 1 साल होने वाला है, 1 साल के बीच में जो कार्य किए गए सरपंच द्वारा कौन कौन से कार्य किए गए? हमारा मतलब अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ, ऐसा एक सामुदायिक भवन बनाए गए कार्यकाल में जो माननीय सरपंच, बाकी अभी तक ऐसा कोई काम नहीं। जो गंदा पानी आ रहा है आपके जो नलों में गंदा पानी आ रहा है, उसके लिए आपने कोई आवेदन पंचायत में? पंचायत में हर आम सभा खुद हूँ, वार्ड का मेंबर हूँ उस चीज़ का, मैंने खुद ओपन कराया, मौखिक लेखिक में भी कराया, लेकिन आज तक मैं सुना मतलब समस्या का हल नहीं हो नहीं हो रहा है। जो नालियों में गंदा पानी है उसका भी निकास पूरी तरह से सही व्यवस्था नहीं हो रही है, 1 साल हो गए, मतलब ये वार्ड भी सफाई नहीं हो रही है। कौन सी ग्राम पंचायत आती है? ग्राम पंचायत खटसूर। खटसूर से सरपंच कौन है? हरपाल जी सरपंच। सरपंच 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 जी। आपका शुभ नाम क्या? एलम सिंह परमार। एलम सिंह पंचो वार्ड का ये यहाँ लिखा है नाम गाँव का।